बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9 पावर एक्स प्लस 9 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ 9 पावर एक्स यानी गिवन इक्वेशन को दोबारा लिख देंगे, प्लस 9 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, ये 9 नहीं है, इनको लिख देंगे 3 पावर 2 होल पावर एक्स प्लस, इनको लिख देंगे 3 पावर 2 होल पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक रूल को यूज़ करेंगे, वो है a^m होल पावर n और बराबर होता है a^m n के इज इक्वल टू a^n होल पावर m। तो यहाँ इनको और इनको इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 3 पावर x होल स्क्वायर प्लस 3 पावर x होल स्क्वायर प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ लेट ले लेंगे 3 पावर x इज इक्वल टू t के बराबर, तो यहाँ जाएगा t स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, ये 1 इन के साइड पर लेंगे, यहाँ लिख देंगे t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनका इनके साथ लिख देंगे, यहाँ टी स्क्वायर इनके साथ प्लस टी को लिख देंगे, यहाँ प्लस टी स्क्वायर, यहाँ 1 के ऊपर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, इनसे टी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ टी प्लस 1 और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ ए माइनस बी दूसरे विकेट में ए प्लस बी, तो यहाँ इनको भी इस तरह करेंगे, तो यहाँ जाएगा t-1 t+1 इज इक्वल टू 0। फिर t+1 t+1 इनको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ t+t-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक ब्रैकेट में t+1 जबकि दूसरे ब्रैकेट में 2t-1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगा, आ जाएगा t+1 इज इक्वल टू 0, दूसरा 2t-1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 नहीं है, इनके साइड पर लाएंगे तो t इज इक्वल टू -1। फिर t को हमने किसके बराबर लिया था, इनको हमने 3 पावर x इज इक्वल टू -1, तो 3 पावर x इस तरह की वैल्यू निकट नहीं थी, इनको रिजेक्ट करेंगे, 1 के साइड पर लाएंगे 2t इज इक्वल टू 1। फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे, इसको 2 के साथ कैंसिल हो जाए, यहाँ टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, t इज इक्वल टू 1/2। फिर टी को हमने किसके बराबर लिया था, इनको हमने 3 पावर x के बराबर, तो यहाँ 3 पावर x लिख देंगे इज इक्वल टू 1/2। फिर दोनों तरफ लाग ले लेंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी, फिर रूल के मुताबिक एक्स इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा x log 3 इज इक्वल टू log 1/2। दोनों साइड को log 3 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी log 3, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू log 3 1/2। हमारे पास आंसर आ गया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।